हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? प्लीज रिप्लाई मी फास्ट। एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई मी फास्ट। एम आई ऑडिबल और नॉट? ओके अनन्या जी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। एम आई ऑडिबल और नॉट? प्लीज रिप्लाई मी फास्ट। महेश हाय। ओके सलोनी जी ऑडिबल, गुड मॉर्निंग। रीमा जी, मधुरा जी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ओके ऑडिबल। गौरी जी, यस ओके। मधुरा जी, गुड मॉर्निंग। महेश, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ओके सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। ओके सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सो टुडे वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द 14th मार्च 2022 फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके सो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट, आई वांट टू डिस्कस दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमबीए एंट्रेंस, टीस एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट बैंक एग्जामिनेशन, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीबीए एंट्रेंस, होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस, बीएड एंट्रेंस और सीजीएल, सो डोंट वरी, मैन एवर एजुकेशन इज हियर। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ द कोर्सेज, सो लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, वेर यू कैन फिल द फॉर्म वेरी इजिली एज पर योर रिक्वायरमेंट, एंड अवर काउंसलिंग टीम विल कॉन्टेक्ट यू एंड विल डेफिनेटली गाइड यू। ओके इफ यू आर द न्यू फैमिली मेंबर ऑफ द मैनेवर एजुकेशन, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल इन द यूट्यूब, एंड वी हैव ऑल्सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेर यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द ऑनलाइन एंड लाइव क्लासरूम कोचिंग, सो जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन 8828581455। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग एट द मुंबई, सो वी हैव ए 3 सेंटर्स, बोरीवली, वसई एंड दी दादर। ओके सो यू कैन विजिट आर सेंटर ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो विजिट आर वेबसाइट विच इज कॉल द मैनेवर एड्यू डॉट कॉम। ओके सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। सो टूडेज सेशन इज रिगार्डिंग द 14th मार्च, एंड आई वॉन्ट टू डिस्कस द क्वेश्चन रिगार्डिंग द 12th मार्च, सो आई डिस्कस्ड अर्लियर। ओके तो यहां पर जो हम लोगों ने 12 मार्च के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे थे, लेट अस डिस्कस फर्स्ट क्लियर स्पेस मिशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लियर स्पेस मिशन? ओके सो इन दिस अ चेसर विथ इट्स 4 रोबोटिक आर्म्स विल ग्रैब द लेफ्ट ओवर ऑफ 2013 ओके क्राफ्ट नोन एज द वेस्पा। वेस्पा स्टैंड फॉर द वॉट? I also asked about it. What is the full form of the Vespa? Vega secondary payload adapter and break it down to Earth atmosphere where both will be burn up. Okay, so this program will be launched into the it will be launched in the 2025. Okay, so actually, what is the meaning of the Vespa? So I also discussed the space debris. Okay. I also discussed the space debris. So Earth has some kind of the proper ring over here in around in the 2030, clear? So that is called the space debris. So we have to think about regarding the space debris. We have to take care of our Earth regarding the space debris. Okay. So if you take these equipments, or if you take the equipments regarding the space debris, so that is a robotic arm. Okay. तो यहां पर एक रोबोटिक आर्म होगी, वही रोबोटिक आर्म जो है वो अर्थ के एटमोस्फेयर में उसको लेके आ सकती है, और वहां पर पूरा का पूरा जो कूड़ा कचरा है वो बर्न अप हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, सो दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड द क्लियर स्पेस वन मिशन। ओके एंड दैट इज लॉन्च इन द 2025। ओके एंड आई ऑल्सो आस्क द सेकेंड क्वेश्चन विच इज कॉल्ड द साउथ कोरियन न्यू प्रेसिडेंट योन सुकई योल। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ओके एंड आई ऑल्सो आस्क द फोर्थ क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन जज कभी ऑब्जर्व किया जाता है? ऑन द 10th मार्च। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ऑल द थिंग्स आर क्लियर और नॉट? ओके लेट अस मूव द आर्टिकल्स। ओके सो द फर्स्ट आर्टिकल यू कैन सी ओवर हियर, पीएम ब्रीफ्ड ऑन मिसाइल इश्यू, रिव्यू डिफेंस सिचुएशंस। ओके तो यहाँ पर एक न्यूज़ आया है कि हम लोग जब भी प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी जो मिसाइल जो है एक्सीडेंटली पाकिस्तान में जाकर चली गई। ओके पाकिस्तान में जाकर गिरी, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग बुलाई गई थी। इज इट क्लियर? ओके वेट
Okay. So CCS meeting also discussed the flow out of Ukraine war. Prime Minister Narendra Modi held a meeting of the Cabinet Committee on the Security on Sunday to discuss Indian security preparedness. The meeting, which dealt with the war in Ukraine and also the defense situation in the neighborhood, came 4 days after an Indian unarmed missile launched accidentally landed in the Pakistan. ठीक है, तो यहाँ पर Ukraine की बारे में पूरी की पूरी discussion की जाएगी, मतलब की गई थी. ओके, और ये जो कमेटी थे उसका नाम क्या है? सो दैट इज द नेम ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन द सिक्योरिटी. ऑन द संडे हुई थी ये मीटिंग. ओके, एंड यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग कि वी एक्सीडेंटली वी लॉन्च द इंडियन आर्म ऑन मिसाइल. ओके, एंड इट इज लैंडेड इन द पाकिस्तान. सो यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इट, वी हैव अ थ्रेट रिगार्डिंग द पाकिस्तान एज वेल एज फ्रॉम द चाइना. ओके, तो यहां पर हमारे जो चाइना के बीच में और पाकिस्तान के बीच में आए दिन बॉर्डर के आसपास मुठभेड़ होती रहती है. तो यहाँ पर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स क्या है, इंडिया सिक्योरिटी के मामले में कहाँ तक पहुँचा हुआ है, हमारा कामकाज क्या हुआ है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर मीटिंग में डिस्कस की गई थी. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? ओके, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन. ओके, सो आई होप यू ऑल आर द remember this article. Okay, you can see the second article, which is called the India relocates embassy in Ukraine to Poland. Okay, so first of all you have to you have to watch this map. Okay, so there is a Russia, there is a Ukraine, there is a capital of the Ukraine, Kyiv, and there is a Belarus. बेलारूस और रशिया जो है काफ़ी अच्छे रिलेशन में है, यानी कि अच्छे खासे दोस्त है एक दूसरे के. ठीक है, और यहाँ पर भी बेलारूस ने काफ़ी हद तक मदद करी थी यूक्रेन को इन्वेट करने के तौर पर. ओके, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी जो इंडियन एम्बेसी थी, ठीक है, इंडियन एम्बेसी कहाँ पर थी, उसकी कैपिटल के अंदर, अभी यहाँ पर उसमें जो पोलैंड है वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ द वॉर सिचुएशन इन द यूक्रेन. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि ये जो यूक्रेन है, ठीक है, देर इज़ अ यूक्रेन, सो देर इज़ अ रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड. तो यहाँ पर ये जो नेबर कंट्रीज है यूक्रेन के साथ लगते हैं, ठीक है, एंड देर इज़ अ पोर्शन विच इज़ कॉल्ड द क्रीमिया. ओके, 2014 में उसको रशिया के द्वारा एनेक्स कर लिया गया था. एंड वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द ब्लैक सी, ठीक है, जहाँ पर रशियन आर्मी रशियन नेवी ने पूरा नेवल अटैक करने का सोचा था यूक्रेन के ऊपर. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. एंड देर इज अ पोर्शन विच इज कॉल्ड द डॉनबास पोर्शन. ओके, सो इट इज इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस्ड बाय द रशिया. ओके, एंड इट इज हेल्ड बाय द सेपरेटिस्ट ओवर हियर. सो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी रहेगी. अभी यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, जो भी चीज़ हुई थी, ठीक है, ये नाटो के रिगार्डिंग हुई. इज इट क्लियर? तो एक समय में जॉर्जिया ने भी, ठीक है, इन द इफ आई टॉक अबाउट द पास्ट, सो इन द पास्ट जॉर्जिया ऑल्सो वॉन्टेड टू ज्वाइन द नाटो. सो एट दैट टाइम अब हाँ, रशिया अनाउंस द इंडिपेंडेंट कंट्री अबखाजिया एंड द ओसेटिया. ओके, सिमिलरली इन द यूक्रेन लोहांस्क एंड द दोनेत्स्क. ओके, तो जो दो कंट्री प्लेसेस को एक अलग से कंट्री घोषित कर दिया गया रशिया के द्वारा, वो लोहांस्क और दोनेत्स्क थे. सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर, वेट, ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो जो जॉर्जिया के साथ हुआ था, सिमिलरली अभी यूक्रेन के साथ हो रहा है. इज इट क्लियर? तो यहां पर आप सारी चीजें समझ सकते हैं. और यहां पर ब्लैक सी के अगर नीचे जाएंगे तो आप लोगों को तुर्की दिखने को मिलेगा. ठीक है, ब्लैक सी के जो नीचे, ये ब्लैक सी है तो उसके नीचे है तुर्की. ठीक है, सो तुर्की जो है, यहां पर भी यूक्रेन ने मदद मांगी है तुर्की से कि यहां पर आपके जो स्ट्रेट है, ठीक है, बोस्फोरस स्ट्रेट है और डार्डेनल्स जो स्ट्रेट है उसको यहां पर ब्लॉक कर दीजिए, तो ताकि नेवल अटैक्स ब्लैक सी के अंदर ना हो पाए यूक्रेन के ऊपर. ओके, रशिया के द्वारा. इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी स्टोरी पता होगी. यहां तक सारी चीजें क्लियर है? इज इट क्लियर? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ऑल द थिंग्स आर क्लियर और नॉट? ऑल द थिंग्स आर क्लियर और नॉट?
लेट अस मूव ऑन दी नेक्स्ट वन. अभी यहां पर देखा जाए तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई रिलेशन बिटवीन दी रशिया एंड दी इंडिया. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन दी इंडिया एंड यूक्रेन. सो यहां पर एक आर्टिकल आया हुआ है, उसके हिसाब से यहां पर देख लेते हैं. वी हैव टू वॉच दिस एंड दिस इज नॉट अ इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट अस स्किप इट, डायरेक्टली मूव ऑन दी पेज नंबर. ओके, वेट, हाँ, पेज नंबर 10. ओके, सो यूक्रेन क्राइसिस डिलेज AK-203 रेड ट्रायल्स. ओके, तो यहां पर वी गिव द ऑर्डर टू द यूक्रेन टू फॉर द AK-203 असॉल्ट राइफल्स. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ द थिंग. ओके, दिस डील, हाँ, यस सर, यस, ओके, दिस डील इज रेगुलरली डिले बाय डिले. ओके, ड्यू टू द ऑन गोइंग क्राइसिस इन यूक्रेन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, वी कैन से दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डील फॉर 6.1 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल साइंड विद द रशिया लास्ट जुलाई हैज बीन डिलेड बाय द एटलीस्ट फ्यू मंथ्स अकॉर्डिंग टू द डिफेंस सोर्सेज. सो वी गिव द 6.1 लाख AK असॉल्ट राइफल साइंड विद द रशिया ओवर हियर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस relation, defense relationship with the India and the Ukraine. Okay, so Ukraine has been a source of military technology and equipment also for the India since the independence. Okay, Ukraine manufactures the R-27 air-to-air missiles which are in use by the Indian Air Force. It was VK sir, do din lecture. I want to give the information regarding, wait, so you have to remember this thing. We conclude the 11th AM daily basis lecture, which is called the daily CA. Okay, I want to give the information regarding our lectures. जो यहाँ पर daily current affairs के जो lectures रहते हैं वो हर रोज 11 बजे होते हैं. And Saturday आपका holiday रहता है, ठीक है. And for Sunday, that is a weekly current affairs. Okay, please note it down the schedule. Okay, please note it down the schedule. Saloni ji, @ Saloni ji, please note it down our schedule. Monday to Friday, daily CA on particular time, which is called 11 a.m. morning. Okay, and Saturday is a holiday for you people for the practice session. Okay, you have to practice the current affairs. You have to practice the current affairs on the particular Saturday. Clear? Okay. And Sunday we have a schedule regarding the weekly current affairs. Saloni ji, is it clear or not? Okay. So there is no chance to skip the current affairs. Okay. So you have to mention this schedule over here. Okay, so let us move on the topic, defense relation with the India and Ukraine. Okay, so Ukraine has been a source of military technology and the equipment for India since the independence, we can say that. Okay, and Ukraine manufacturers give particular R-27 air-to-air missiles which are in use by the Indian Air Force. Now particular aircraft which is called the Sukhoi-3MKI fighter aircrafts. Okay, if I talk about the 1991, so Soviet Union, USSR, ओके, सो USSR के टाइम भी हमें डिफेंस इक्विपमेंट मिल रहे थे. हम लोग परचेस कर रहे, वी परचेस द डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम द USA, रशिया, फ्रॉम द फ्रांस, फ्रॉम द यूक्रेन. ओके, बट इफ आई टॉक अबाउट द USA, सो USA नॉट गिविंग अवर द प्रॉपर एडवांस टेक्नोलॉजी इन द पर्टिकुलर डिफेंस एरिया. ओके, सो US कैन नॉट गिव दी, और US, वी कैन से दैट US हैव नॉट दैट काइंड ऑफ द स्ट्रेटेजी टू गिव द प्रॉपर एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी. बट इफ आई टॉक अबाउट द USSR और इफ आई टॉक अबाउट द रशिया यूक्रेन, तो दे गिव द एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी. ठीक है, जब भी 1991 में विघटन हुआ, USSR का सेपरेट हुए, तो उसमें से जो सारी की सारी चीजें हमें मिलती थी वो काफी हद तक एडवांस मिल रही थी. सो वी प्रिफर दी रशिया एंड यूक्रेन. सो इफ आई टॉक अबाउट दी नाउ करंट सिचुएशन रिगार्डिंग दी रशिया एंड यूक्रेन, बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट अवर डील विल बी डिले रेगुलरली. ओके,
You have to remember this thing. So if I talk about now, India is also supplying its weapons to Ukraine to enhance defense cooperation between the two countries. So अभी जो situation है वो थोड़ी परिस्थिति उलट हो चुकी है कि यहाँ पर अभी इंडिया जो है यूक्रेन को डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है फॉर द बेटर कॉरपोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज. ओके, पर इफ आई टॉक अबाउट द रशिया, सो डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड द रशिया, सो इंडिया एंड रशिया मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन हैज इवॉल्व फ्रॉम बायर टू सेलर फ्रेमवर्क. ओके, वी हैव ऑल्सो बायर, वी हैव ऑल्सो सेलर ऑल्सो बिटवीन द इंडिया एंड रशिया टू वन इन्वॉल्विंग ज्वाइंट रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एडवांसमेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम. यू कैन ऑब्जर्व द ब्रह्मोस मिसाइल. ओके, ब्रह्मोस मिसाइल, सो यहां पर जो ब्रह्म है, ब्रह्मपुत्र से हम लोगों ने ब्रह्म रखा और मॉस्को जो उसका यहाँ पर रशिया की हम लोग कह सकते हैं कैपिटल है, रिवर है, उसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ब्रह्मोस करकर एक जॉइंट वेंचर बनाकर एक मिसाइल बनाया और वी ऑल्सो सेल दिस मिसाइल टू द फिलीपींस. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है. एंड द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड रशिया विच इज कॉल्ड द इंदिरा 2072 प्लेस इन द व्लादिवोस्तोक फ्रॉम द अक्टूबर 19 टू 29 इन 2017 विच इज नोन एज द इंदिरा. And it is a joint military exercise between the India and Russia. Okay, so that is called the linked article regarding this. Okay, so if I talk about December 13 to December 16, so there is a bilateral Russian-Indian naval exercise between the Indra Navy 2018 was held in the Bay of Bengal. Okay, so there is a huge impact in the relationship between the India and Russia. So trading relations are there, political relations are there, defense relations are there, diplomatic relations are between the India and Russia. So you have to understand about the which kind of the level we have with the Russia. Okay, so joint tree services exercise India Indra 2019 between India and Russia was carried out simultaneously in the Babinya, Pune, Goa, 10th to 19th December 2019. So we have also some kind of the joint military programs which is called the Brahmos cruise missile, fifth generation fighter jet program, Sukhoi Su MKI program. So there are the big impact between the India and Russia's relationship. Okay, so we have only chance to balance the Ukraine as well as the Russia. Okay, but if I talk about this particular article, we give the deal to the Ukraine around the 5,000 crore rupees. Okay, regarding the AK-203, the cost over 5,000 crore will be manufactured by joint venture India Indo-Russia Rifles Private Limited. Okay, so यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, India और Russia ने इसकी deal करी है, पर अभी Ukraine और Russia की dispute की वजह से यहाँ पर ये deal है काफी हद तक regularly delay होती जा रही है. Is it clear? इज इट क्लियर? क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ या ना? क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है? वेट, ओके, ओके. सो आई होप यू ऑल आर द अंडरस्टैंड. पर ये सारी चीजें हम लोग डील क्यों कर रहे हैं? ठीक है, सो वी हैव अ थ्रेट फ्रॉम दिस, वी हैव अ रेगुलर थ्रेट फ्रॉम दिस पाकिस्तान एज वेल एज द चाइना. ठीक है, इन दोनों चीजों का हम लोगों को याद रखना है, ध्यान रखना है. ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर जो हम लोग बना रहे हैं 5,000 crore विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाई जॉइंट वेंचर इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड एट द कोरवा, उसके बाद अमेठी उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारी चीजें डेवलप की जाएगी, जॉइंटली डेवलप की जाएगी विद द ईस्ट वाइल OFB ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड. ओके, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी. इज इट क्लियर? बिकॉज ऑफ द रशिया, बिकॉज ऑफ द चाइना, थ्रेट्स ऑफ द चाइना एंड द पाकिस्तान. इज इट क्लियर? आई होप यू ऑल आर हैव अ क्लियर आइडिया रिगार्डिंग द इंडिया यूक्रेन रिलेशनशिप, इंडिया एंड द रशिया रिलेशनशिप, एंड वी हैव टू ऑल्सो ऑब्जर्व द पाकिस्तान एंड द चाइना. इज इट क्लियर? बिकॉज वी रिक्वायर्ड द पर्टिकुलर डील इन अ पर्टिकुलर टाइम. इज इट क्लियर? ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल.
government drug stores to sell nutricals. Okay, so currently there are 8675 APM BJP Kendras optical across the country. So dosto yahan par jo agar main baat karu is article ke bare mein, so that is regarding the government medical stores. Okay, so and the government medical store, as well as we can say that there is a scheme regarding the Pradhan Mantri. Okay, so let us discuss aim to the providing accessible, standardized and affordable generic medicines. The Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana Kendras, which currently offer a product basket of 1451 drugs and 240 surgical instruments, have added nutraceuticals products in including protein powder and bar melt based food supplements and immunity bar for the its customers. ठीक है, तो यहां पर ये एक योजना के बारे में you have to remember this thing. Okay, तो let us discuss PM BJP objectives. ठीक है, so first of all, what is the objective behind this scheme? Okay, so the scheme aims to educating the masses about the generic medicines at the high prices are not allowed simultaneously with high quality. Okay, तो अगर price ज्यादा रहेगी तो उसकी quality भी ज्यादा रहे ऐसा जरूरी नहीं है. So it intends to cover all the therapeutic groups and create demand for generic medicines through the medical practitioners. Okay, so there is a particular objective behind this, the PM BJPs. Okay, so if I talk about this money, if I talk about the quality, so there is a proper scheme regarding this जो आप लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकती है. ठीक है, सो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, सो दैट इज अ कैंपेन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स इन द 2008. ओके, अंडर द नेम ऑफ द जन औषधि कैंपेन एंड विच वॉज रिवैम्प्ड एज द PM BJP in 2015 to 2016. Is it clear? So to extend the coverage of the quality of the generic medicine so as to reduce the out of the product expenditure of medicines and the thereby redefine the unit cost of the treatment per person. If I talk about the generic medicine is if you take this medicine in a lot, okay, so you can decrease the prices. Okay, बट ऑब्वियस है कि अगर ज़्यादा लोट में आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पर प्राइस जो है काफ़ी हद तक गिर जाते हैं. तो यहाँ पर यही चीज़ का यूज़ किया जा सकता है और यहाँ पर जेनरिक मेडिसिंस की जो क्वालिटी है वो भी उसको इंक्रीज किया जा सकता है. ठीक है, सो टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द जेनरिक मेडिसिंस विद थ्रू द एजुकेशन. ओके, थ्रू द एजुकेशन पब्लिसिटी सो दैट द क्वालिटी इज सिनोनिमस विद एन ओनली हाई प्राइस. ओके, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग याद रखें रिगार्डिंग दी पीएम बीजेपी एक्टिविटीज और ऑब्जेक्टिव. क्लियर, इफ आई टॉक अबाउट दी पीएम BJK. ओके, सो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, तो वहां पर ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी. सो पीएम बीजेपी टू प्रोवाइड दी जेनरिक ड्रग्स ओवर हियर. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द जन औषधि केंद्रज. क्लियर, सो रिगार्डिंग दिस इफ आई टॉक अबाउट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो सम काइंड सम हाँ वी कैन से दैट दी सम एग्जामिनर आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिगार्डिंग दी स्कीम्स. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर द स्कीम रिगार्डिंग this particular scenario. Okay, so you have to also take care about these particular informations regarding these schemes, government schemes, government launches the programs. Okay, government launches the particular money schemes. Okay, so you have to remember this kind of the things. Okay, so generic drugs are marketed under a non-proprietor or approved name, rather a brand name. Okay, so there are equally effective and expensive compared to the counterparts. Yahan par dusri अगर चीजों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो यहां पर भी ऐसा कहा जा सकता है कि उसके जो प्राइसेस है काफी हद तक बढ़ सकते हैं, पर बिकॉज ऑफ दिस जनौषधि केंद्र द प्राइस विल बी रिड्यूस. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. ओके, सो ऑल ड्रग्स प्रोक्यूर्ड अंडर दिस स्कीम आर टेस्टेड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एट द नेशनल एग्रीडेशन एग्रीडिएशन बोर्ड NABB. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. लेबोरेटरीज accredited laboratories and are compliant with the World Health Organizations, okay, WHO. So please mention students, where is the headquarter of the WHO? Where is the headquarter of the WHO? Where is the headquarter of the WHO? Please mention students. Where is the headquarter of the WHO, World Health Organization?
Anyone? Okay. Geneva, 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 Switzerland. Right one. Okay. So, if I talk about the World Health Organization good manufacturing practices, whose name stands for the WHO GMP benchmark. Okay, तो ये benchmark के साथ दवाइयाँ मिल सकती है and government grants regarding up to the 2.5 lakh are provided for setting up the PMBJ case. Okay, can be set by the doctors, pharmaceuticals, entrepreneurs, self help group, NGO जो वगैरह होते हैं, charitable societies होते हैं, उसके द्वारा इस चीज को फैलाया जाएगा. ठीक है सर, ये वापस थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो लेट ज्वाइन हुआ थोड़ा. ओके जिनेवा, लेट अस डिस्कस वन मोर टाइम दिस स्कीम. ओके दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है कि स्टैंडर्डाइज एंड अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन एट द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र. ओके, विच करंटली ऑफर अ प्रोडक्ट बास्केट ऑफ 1451 ड्रग्स एंड 240 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव एडेड न्यूट्रिटिकल्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन पाउडर बार, मल्ट बेस्ड फूड सप्लाई सप्लीमेंट्स एंड इम्यूनिटी बार फॉर इट्स कस्टमर. ओके, सो regarding these schemes, okay, we can say that regarding this scheme we can say that koi baat nahi, let us repeat for your friend, let us repeat, don't worry. If I talk about this PMBJP, so there is a one particular objective regarding awareness. Okay, awareness regarding the medicines, generic medicines. Okay, so you have to educate the mass about the generic medicines, that high prices are not always synonymous with high quality. अगर high price रहेगी तो ऐसा जरूरी नहीं है उसी चीज का जो product है वो काफी हद तक high जाए. ठीक है, so you have to take care about this thing and there is a campaign launched by the Department of the Pharmaceutical under the 2008. Okay, so this is known as the Jan Aushadhi campaign. Clear? Okay, so which was the revamped PMBJP in 2015 and 2016. Okay, and that is the aim regarding the coverage the quality generic medicines so far to reduce the pocket expenditure on medicines and thereby redefine the unit costs. Okay, so yahan par क्वालिटी के साथ जो प्राइस रिडक्शन की बात हो रही है, क्वालिटी इंक्रीज और प्राइस रिडक्शन की बात हो रही है, और ये सारी चीजें कहां पर होगी, यहां पर होगी प्रधानमंत्री पीएमबीजे की, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रास के अंदर. ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस उसका एक बेंचमार्क लगेगा, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का ग्रांट है दोस्तों कितना है लूफी जी, 2.5 लाख का यहाँ पर ग्रांट दिया गया है. ठीक है, सो यहाँ पर सारे के सारे अवेयरनेस बिठाए जाएंगे, कैंपेन बिठाए जाएंगे, और यहाँ पर यू हैव टू ऑल्सो मैंशन एट द चैरिटेबल ट्रस्ट, एन जी ओ ऑल्सो वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर मैनर, एंटरप्रेन्योर ऑल्सो वर्किंग इन मैनर. ओके, एंड यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दिस set up by the doctors, pharmacists and the entrepreneurs and see self help groups. Okay, Tazliat, World Health Organization का जो headquarter है not in the United Arab Emirates. Okay, please correct it. World Health Organization का जो headquarter है UAE के अंदर नहीं है, please mention it. Okay, let us move further regarding these. ओके, चिल्का लेक एरिया टू बी लिमिट्स फॉर मोटर बोट्स. ओके, चिल्का लेक कहाँ आया हुआ है, प्लीज रिप्लाई मी फास्ट, वेयर इज द चिल्का लेक, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन विच. सर आप सैटरडे संडे को लेक्चर नहीं लेता, सर क्या आप मंडे को सेम इम्पोर्टेंट न्यूज ऑफ सैटरडे संडे रिकवर कर सकते हो? राइट राइट चेताली जी, I will try my best. There is suggestion. I appreciate you, Chaitali. I appreciate you, Chaitali. Okay. Saturday, you have a holiday. Okay. You have a holiday. Okay. Don't worry. And Sunday, we have a schedule regarding the weekly current affairs. Okay, so don't worry, we will cover the proper which is called the important news or important current affairs which is very important for your examination point of view, we will cover on the Monday. Okay, don't worry about that.
डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर सेशंस, ओके, 11 AM रेगुलरली, डोंट वरी, वी विल कवर द इम्पॉर्टेंट न्यूज एट द 11 AM, क्लियर, ओके, प्लीज रिमेंबर इट, डन डन, ओके, डोंट वरी, थैंक्स चैताली, थैंक्स चैताली फॉर द नाइस सजेशन, ओके, लेट अस मूव फर्दर. ओडिशा सही है. सो यू कैन सी द आर्टिकल, रशिया एयर स्ट्राइक हिज आर्मी बेस किल्स 35. सो देर इज अ बिग डिस्प्यूट बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन. अभी पता नहीं कहां पर जाकर रुकेगा ये सारी की सारी चीजें. यस चैताली एग्री, ओके ओके डन, ओके. बट यहां पर एक छोटा सा आर्टिकल आया हुआ है सामने, यू कैन सी दैट. हाँ, रशिया यूज्ड फॉस्फोरस सेल्स इन द डोनबास अटैक. सो सबसे पहली चीज समझ लीजिए, डोनबास अटैक्स कहां पर है, यू हैव टू मेंशन इन द मैप, ओके. सो दिस पर्टिकुलर रीजन दैट इज कॉल्ड द डोनबास रीजन, ओके. लुहांस एंड डोनेत्स्क आर कंसिडर्ड इन द. चैताली सैटरडे संडे वी कैन डू रिविजन ऑफ एंटायर वीक का करंट. सलोनी जी आपका भी सजेशन सही है, यू कैन रिवाइज द होल वीक रिविजन्स, ओके. जो करंट अफेयर्स रहते हैं, जो वीकली के करंट अफेयर्स, मतलब पूरे वीक में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप सैटरडे भी अपने आप से कर सकते हैं. बट ये सजेशन भी सही है सलोनी जी का कि सॉरी चैताली जी का कि हम लोग कवर कर सकते हैं सैटरडे संडे का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ओके. डोंट वरी, वी विल मैनेज, ओके, क्लियर. सो देर इज अ पर्टिकुलर रीजन दैट इज कॉल्ड द डोनबास रीजन, ओके. सो इन दिस पर्टिकुलर रीजन द रशिया यूज द फॉस्फोरस सेल्स. सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ द फॉस्फोरस सेल फर्स्ट ऑफ ऑल. सो फॉस्फोरस सेल इज नथिंग बट दैट इज अ केमिकल वेपन, ओके. सो लेट अस डिस्कस द केमिकल वेपन ओवर हियर, ओके. सो यू कैन ऑब्जर्व दिस केमिकल वेपन्स, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के जो केमिकल वेपन्स हैं उसका यूज किया गया था डोनबास रीजन के अंदर. सो अ सीनियर यूक्रेनियन पुलिस ऑफिसर हैज एक्यूज रशियन फोर्स ऑफ लॉन्चिंग फॉस्फोरस बॉम्ब अटैक्स इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द लुहांस, ओके. इंटरनेशनल लॉ प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ द व्हाइट फॉस्फोरस सेल्स इन हैविली पॉपुलेटेड सिविलियन एरियाज बट अलाउज देम इन ओपन स्पेसेस टू बी यूज्ड एज कवर फॉर द ट्रूप्स, ओके. पुलिस इन द पोस्पाना अराउंड 100 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द लुहांस सेड ऑन सैटरडे दैट रशियन फोर्सेस हैड यूज्ड द केमिकल वेपन इन हिज एरिया. इट्स व्हाट द नाजीज कॉल्ड फ्लेमिंग ऑनियन, ओके. तो नाजी का जो भी वॉर हुआ था, सो नाजी जब भी वॉर हुआ था, पास्ट की एक स्टोरी है कि नाजी का जब भी वॉर हुआ. संडे को लाइव लेक्चर होता है क्या? नहीं माधव जी, संडे को लाइव लेक्चर नहीं होता है, ठीक है. संडे को लाइव लेक्चर नहीं होता है, क्लियर. बट संडे आई अपलोड द वीडियो विच इज कॉल्ड द वीकली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग द MCQs, ओके. प्लीज मेंशन इट, वीकली करंट अफेयर्स इन द थीम ऑफ द MCQ थीम, ओके. सो यहाँ पर ये जो नाजी का एक स्टोरी था, तो नाजी मूवमेंट जो चला था, तो वहाँ पर जो वेपन्स यूज़ किए गए थे तभी टाइम केमिकल वेपन्स यूज़ किए गए थे, ओके. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लेमिंग ऑनियन, ओके. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ द थिंग. सो लेट अस डिस्कस द केमिकल वेपन. सो केमिकल वेपन इज नथिंग बट इट इज अ केमिकल यूज टू द कॉज इंटेंशनल डेथ और हार्म थ्रू इट्स टॉक्सिक प्रॉपर्टीज, ओके. म्यूटेशंस डिवाइसेज एंड अदर इक्विपमेंट स्पेसिफिकली डिजाइन टू weaponized and toxic chemical also fall under the definition of the chemical weapons, okay. तो ये सारे के सारे जो weapons हैं, ये Sunday weekly current, ये Sunday को weekly current news cover होता है, हाँ, ओके. तो ये जो सारे के सारे वीकली सॉरी ये जो सारे के सारे जो ये वेपन्स हैं, ठीक है, ये कंसिडर किए जाते हैं केमिकल वेपन्स के जरिए से. तो वहाँ पर क्या होता है कि पूरा का पूरा जो माहौल हो जाता है, पूरा का जो एटमॉस्फेयर हो जाता है, काफ़ी हद तक केमिकलाइज हो जाता है. और वहाँ पर दोस्तों ऐसा हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर केमिकल्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और वहाँ पर सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है. इज इट क्लियर. अपलोड करते हैं संडे को. I can international campaign abolish nuclear weapons. Okay, right. But Luffy ji, I want to correct it. That is not the ICN. Okay, ICN is regarding the nuclear weapons. It is regarding the nuclear weapons. But we will consider the chemical weapons. Okay, CW. So there is a different organization who watch particular these things. Okay, ICN is only about these nuclear weapons. Okay. The Hague, Netherlands, OPCW, Organization, Prohibition, right.
राइट लूफी जी, यू आर द करेक्ट. हैग्यू में उसका हेडक्वार्टर है. ओपीसी सीडब्ल्यू इज द ऑर्गन वी विल डिस्कस इन लेटर. ओके, सो ओपीसीडब्ल्यू जो इसके ऊपर देख रेख रखता है कि कोई भी कंट्री जो है केमिकल वेपन्स और बायो वेपन्स का यूज ना कर सके. इज इट क्लियर? एंड यहां पर एक दूसरा वेपन निकल कर आता है विच इज कॉल्ड द बायो वेपन. सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायो वेपन्स. ओके, सो ऑल्सो कॉल्ड द जम वेपन्स. They are any of a number of disease producing agents such as bacteria, viruses, bacteria, fungi, toxins or other biological agents that may be utilized as a weapon against the human, animals or the plants. Okay, so that is a weapon regarding the bio theme. Okay, so that is called the biological weapons. So biological weapons like the chemical weapons, radiological weapons, nuclear weapons are commonly referred to as the weapons of the mass destruction. Okay, so you have to remember the OPCW. Okay, जो इसके ऊपर सारी की सारी देखरेख रखता है. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सो देयर इज अ केमिकल वेपन, यू हैव ऑर टू ऑब्जर्व दीज पर्टिकुलर वेपन. देयर इज अ सेल ऑफ द केमिकल वेपन्स. इफ आई टॉक अबाउट द बायोकेमिकल वेपन्स, दैट इज अ फंगस, देयर इज अ बैक्टीरिया ओवर हियर इन द वेपन्स. ओके, दे विल अफेक्ट क्लियरली टू द पर्टिकुलर एरिया रिगार्डिंग दिस द बायोकेमिकल्स और बायो जेनेरिक्स ओवर हियर. ओके, सो हां, डोंट. ओके, थैंक्स, वेलकम लूफी जी. सो लेट अस डिस्कस द केमिकल वेपन कन्वेंशन. तो उसके कन्वेंशंस हुए थे, यू कैन नॉट यूज पर्टिकुलर वेपन्स. ओके, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है. सो इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी बैनिंग केमिकल वेपन्स एंड रिक्वायरिंग दैट डिस्ट्रक्शन विद इन द स्टिप्युलेटेड टाइम. ओके, एंड नेगोशिएशन फॉर द CWC, ओके, केमिकल वेपन कन्वेंशन बिगिन इन 1980 एंड द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट. ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें कही गई कि ये जो सारी की सारी प्रोसेस है. इज इट क्लियर? वेट, तो ये जो सारी की सारी यहां पर प्रोसेस है, ये सारी की प्रोसेस 1980 से शुरू है. ओके, और ये डिसआर्ममेंट करने का बोला गया था किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस के द्वारा. व्हाई? सो दैट इज अ पर्टिकुलर रीजन, दैट इज अ वेरी हैजार्डियस टू द पर्टिकुलर या स्टिपुलेटेड एरिया ओवर हियर. सो यू कैन नॉट यूज दिस केमिकल वेपन इन एनी हाउ. ओके, सो देयर इज अ कन्वेंशन, देयर इज अ ट्रीटी ओवर हियर. वी कैन से दैट द कन्वेंशन वॉज ड्राफ्टेड इन द September 1992. Okay, so you have to opened for signature in January 1993. So we can say that that is effective from the April 1997, and it is mandatory destroy the old and abandoned chemical weapons. So यहाँ पर destroy करने की बात आई, इसके लिए यहाँ पर ये जो मैंने photo आप लोगों को दिखाया, ये सारे destroy किए गए armaments हैं. Is it clear? क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ओके, सो देयर इज कॉल्ड द केमिकल वेपन. और इसके अंदर कि केमिकल वेपन्स की जो ट्रीटी है उसके अंदर 192 स्टेट्स की पार्टीज है, 165 लोगों ने सिग्नेट 165 की सिग्नेटरीज है, एंड इंडिया साइन दिस पर्टिकुलर ट्रीटी इन जैन 1993. इज इट क्लियर? तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां पर याद रखनी है. इज इट क्लियर? क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी लोगों को? क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है? यस, वेट सर, ये टीयर गैस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में यूज होती थी ना पहले? नहीं, टीयर गैस इज द डिफरेंट थिंग माय डियर लूफी जी. टीयर गैस जो है वो एक डिफरेंट थिंग है, बट वी कैन से दैट दैट इज अ पर्टिकुलर केमिकल, बट दैट इज ओनली अफेक्ट, दैट इज ओनली अफेक्ट द साइकोलॉजिकल aspects. ओके, बट द केमिकल इज अफेक्ट हेल्थ, डायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ. ओके, ब्रीदिंग सिस्टम्स, लंग्स, सो दैट इज अ केमिकल वेपन्स, वेरी हैजार्डियस वेपन्स. ओके, सो प्लीज रिमेंबर इट. लेट अस डिस्कस द बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन विच इज अकर्ड इन द 1972. तो बायो वेपन्स के ऊपर भी यहां पर ट्रीटी दी गई है. इज इट क्लियर? सो देयर इज अ दिस एग्रीमेंट विच साइंड इन द 1972 एंड इट कम इन द फोर्स अराउंड द 1975. ओके, तो ये जो ट्रीटी है साइन हुई थी 1972 के अंदर और इसको फोर्स में लाया गया 1975 के अंदर. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट इट 2019, ठीक है, सो 109 कंट्रीज
signed this particular treaty, and 183 nations are the party to this treaty, and Tanzania was the most recent country to become party of the treaty. ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखें और तंजानिया भी दिमाग में रख सकते हैं. ठीक है, एंड द फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी टू बैन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल वेपन. ठीक है, पहले डिस्ट्रॉय करने की बात हुई कि जितने सारे, समझ लीजिए कि जितने सारे आप लोगों के पास वेपन्स है तो उसको पहले डिस्ट्रॉय कर दीजिए, बाद में प्रोडक्शन के ऊपर बैन लगाया गया. यू हैव टू बैन योर प्रोडक्शन रिगार्डिंग द बायो केमिकल्स और बायो वेपन्स. ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन्स. क्लियर, सो देर इज अ बैन्स द नेशन फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग, स्टॉक पिलिंग, एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट कैन बी यूज एज अ वेपन्स. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द ट्रीटी विच इज अकर्ड इन आफ्टर द 2015. इज इट क्लियर? And I want to say that there is a conference which is called the 9th Review Conference, which is in the held in the Geneva 2021. Okay, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं. अभी बात करते हैं OPCW के बारे में, जो मैं कब से वेट कर रहा था. ठीक है, सो द OPCW, देर इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एंड देर इज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विथ अ वर्किंग रिलेशन विद द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस के साथ ये काम करता है. एंड देर इज अ मोटो रिगार्डिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन से दैट देर इज अ प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स इज द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी ऑफ द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन विच स्टैंड फॉर द CWC एंड इट इज कम इन टू द फोर्स इन 1997. You have to remember these particular things. This organization is very important for your examination point of view. Please note it down, students. Okay, so the organization was awarded 2013 Nobel Peace Prize for its extensive efforts or to eliminate chemical weapons from the different countries. Okay, तो यहाँ पर जिस country के पास chemical weapons थे वहाँ से इन्होंने सारी चीज़ें हटाई. Okay, and this had its headquarters in the Hague, Netherlands, and founded in 29th April. Okay, 29th April 1997, and there is a logo of the OPCW. Is it clear or not? Please reply me fast, students. My voice is audible or not? Okay, clear. Thanks. Welcome. So that is called the OPCW. I hope you all are the understand regarding the OPCW. Okay, so let us discuss. So there is a important articles. That's it for the today's session. And let us discuss the one question. First question: Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 11th Khel Mahakumbh at which city? So there are the four options over here: Visakhapatnam, Dahod, Ahmedabad, or Gandhinagar. So please, guys, give the correct answer. Please select the answer. So right answer is the Ahmedabad. Okay, so you can see the photo which is called the Khel Mahakumbh. तो यहाँ पर ये जो पीछे language लिखी है वो गुजराती language में लिखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर ये दाहोद, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये सारे के सारे कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है ये. ठीक है, एंड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 11th Khel Mahakumbh एट विच सिटी. सो करेक्ट आंसर इज द अहमदाबाद. राइट लिची जी, यू आर द राइट. ओके, योर आंसर इज करेक्ट, अहमदाबाद. लेट अस डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन. यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिशन इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ड्रोन स्कूल इन विच पर्टिकुलर सिटी. ओके, तो यहां पर एक ड्रोन स्कूल बनाई जा रही है पर्टिकुलर सिटी के अंदर. सो देर आर द फोर ऑप्शन ओवर हियर: न्यू दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर और दरभंगा. Please reply me fast. क्या आ सकता है? न्यू दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर और दरभंगा. राइट लूफी जी,
यहां पर खेल महाकुंभ लिखा है लूफी जी. ओके हाँ, सो करेक्ट आंसर इज द ग्वालियर, नॉट द दरभंगा. आई वॉन्ट टू करेक्ट माधव, योर आंसर इज इनकरेक्ट, नॉट द दरभंगा, करेक्ट आंसर इज द ग्वालियर. एंड आई वॉन्ट टू ऑल्सो करेक्ट द ओम कीने. ओके सो करेक्ट आंसर इज द ग्वालियर. ओके रितेश यू आर द राइट, ग्वालियर. यू कैन सी द फोटो ओवर हियर, यू कैन सी द फोटो ओवर हियर. एक स्कूल बनाई जा रही है, पहली स्कूल जो है ग्वालियर के अंदर बनाई जा रही है, विच इज कॉल्ड द ड्रोन स्कूल. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्कूल्स है उसका एक ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रोन, ओके लेट अस डिस्कस द फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग द ड्रोन. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ओके इंडिया बैन, INDIA, अवर इंडिया बैन द डोमेस्टिक ड्रोन. ओके डोमेस्टिक ड्रोन, भारत देश ने डोमेस्टिक ड्रोन को बैन कर रखा है. वाई वाई बिकॉज आत्मनिर्भर भारत. ओके वाई बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट द ड्रोन परचेजिंग पावर, ठीक है, तो यहां पर से हम लोग दूसरी कंट्री में से ड्रोन परचेस करते थे और हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए हम लोग यूज करते थे, ठीक है. पर इंडिया ने अभी क्या कहा है, भारत देश के अंदर ही ड्रोन प्रोड्यूस किए जाएंगे और भारत देश के अंदर ही उसका यूज किया जाएगा. बट इफ द ड्रोन रिगार्डिंग द डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग अगर कोई ड्रोन रहा, डिफेंस इक्विपमेंट को एनहांस करने की बात हुई, तो वहां पर हम लोग दूसरी कंट्री से ये ड्रोन परचेस कर सकते हैं. इज इट क्लियर? एंड इन द फ्यूचर ड्रोन इज यूज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. ओके इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, प्लीज रिमेंबर इट. इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर फैमिली या फार्मर फैमिली, सो प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. ड्रोन इज यूज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ड्रोन विल यूज इन द पेस्टिसाइड स्प्रिंकलिंग. ओके पेस्टिसाइड स्प्रिंकल करने के लिए भी ड्रोन का यूज किया जाएगा. पूरे के पूरे एक खेत खलियान जहां पर रहेगा, एग्रीकल्चर लैंड रहेगी, वहां पर ऊपर से ही क्या स्प्रिंकल किया जाएगा, पेस्टिसाइड स्प्रिंकल किया जाएगा, ठीक है. सो देर आर दी वेरियस एप्लीकेशन इन दी पर्टिकुलर डोमेस्टिक रीजन. ओके इन दी डोमेस्टिक कैटेगरी, हु आयुर्वेदा इन गुजरात भी खुला है. राइट वन लूफी जी, राइट. ओके सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. सो दैट्स इट फॉर दी टुडे सेशन. लेट अस डिस्कस माई क्वेश्चंस. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन. फर्स्ट क्वेश्चन, World Rotaract Day observed on which date? First question, and इसकी ही थीम क्या है ये आप लोगों को बताना है. What is the theme of the World Rotaract Day, उसकी थीम क्या है वो आपको बताना है. एंड थर्ड क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर इट, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कभी ऑब्जर्व किया जाता है. एंड फोर्थ क्वेश्चन, उसकी थीम क्या है. क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? ओके सो देर आर द फोर क्वेश्चंस ओवर हियर. यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके एंड वी विल डिस्कस द आंसर्स टुमोरो 11 AM. ओके सो वर्ल्ड रोटरेक्ट डे observed on which particular date and what is the theme of this particular date day and what is the international day of mathematics observed on which date and what is the theme of the international day of the mathematics. Clear? Okay, so that's it for the today's session. Before we completing the session, I want to discuss that
If you are preparing for the law entrance examination, MBA entrance, TIS examination, government bank examination, and if you are preparing for the BBA entrance, hotel management entrance, BEd entrance, or SSCGL, so don't worry, Manavar Education is here. And if you are interested for this kind of the courses, so link is available in the description where you can fill the form very easily as per your requirement, and our counseling team will guide you and will definitely you can contact. Okay, so if you are the new family member of the Manavar Education, so please subscribe our channel in the YouTube. We have also social media platform where you can get the regular updates, and if you are looking for the online and live classroom coaching, so just contact on 8828581455. And if you are looking for classroom coaching at the Mumbai, so we have a 3 centers, Borivali, Vasai and the Dadar, so you can visit our center also, and you can also visit our website, which is called the manavaredu.com. so that's it for the today's session. So once again thank you, Jai Hind. And I want to discuss that ki ye jo questions hai uske jo answers hai hum log 11am ko kal discuss karenge first in the first slide. And if you really like this session, so please like this session, please share this session with your friends, family members, colleagues who are preparing for this examination. And if you are the new family member of the Manavar Education, so please subscribe our channel for the regular videos, okay, for the regular notifications regarding these sessions, okay. And you have to also prepare the static GK with respect to the current affairs. Please remember it. Always remember, ये current affairs किसके हिसाब से पूछे जाते हैं, जो आपकी examination से 6 महीने पहले के current affairs आप लोगों को याद रखने होते हैं, but with respect to the static GK, okay? You have to also put out this focus on the static GK as well as, okay? So once again, thank you, Jai Hind, take care, bye bye, and always welcome. Okay, bye. Jai Hind.